हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? द पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यहाँ लगाना है वो है हीरोन फॉर्मूला। और हीरोन फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमें इसकी तीन साइड्स पता हो। तो इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है किस तरीके से आपको दे रखी है वो समझ लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? पहली स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड जो है इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। सबसे पहले आपको ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में एक स्मॉलर साइड अपनी तरफ से पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मान लो ट्रायंगल को इस बार ऐसे बना दिया, तो ये स्मॉलर साइड है, मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। अब बची कितनी साइड्स हमारे पास? दो साइड्स बची हैं। तो पहली साइड के बारे में ये कहा है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर का मतलब है 4 प्लस, उसके बाद क्या है, देन द स्मॉलर साइड, और स्मॉलर साइड की लेंथ कितनी ली है हमने, एक्स। तो ये हो जाएगा 4 प्लस x। तीन साइड्स में से एक तो थी स्मॉलर साइड जिसको मैंने एक्स मान लिया था, और दूसरी साइड की जो लेंथ है वो मैंने इस स्टेटमेंट से यहां पर फाइंड आउट कर ली है, इस स्टेटमेंट से। अब तीसरी जो साइड है वो मैं इस वाली स्टेटमेंट से फाइंड करने वाला हूं। ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, क्या लिखा है? द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। इसका मतलब है स्मॉलर साइड का ट्वाइस करो और उसमें से 6 सेंटीमीटर लेस करो। तो ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई करो स्मॉलर साइड के साथ, और इसमें से 6 लेस करो मतलब माइनस करो 6। तो हमारे पास जो तीसरी साइड है वो आ जाती है 2x-6। इस लाइन को एक बार और पढ़ लें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखा है कि ट्वाइस करो स्मॉलर साइड का, ट्वाइस करो स्मॉलर साइड का, फिर उसमें से 6 लेस करो, 6 लेस मतलब -6। तो अब आप देख सकते हैं हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई हैं। ट्रायंगल का जो पैरीमीटर है वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो पैरीमीटर है वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। क्वेश्चन में पैरीमीटर जो है वो 50 दे रखा है, तो उसकी जगह 50 लिख लेता हूँ। ए बी सी इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं। चलिए, ए की जगह अगर मैं एक्स रख देता हूँ, बी की जगह अगर मैं 4 प्लस x रख देता हूँ, तो सी की जगह मुझे रखना पड़ेगा 2x-6। अब यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया 50 इक्वल टू x+x+2x, ये तो हो गया 4x, 4-6 ये हो गया -2। इसको अगर यहां रख दें तो ये हो जाएगा 50+2 इक्वल टू 4x, 50+2 हो गया 52, तो 52 इक्वल हो गया 4x के, तो 52/4 इक्वल टू x, क्योंकि ये 4 को मैं नीचे ले जाऊंगा और 52 को 4 से डिवाइड कर लिया तो ये 13 आ गया। तो फाइनली मुझे x मिल चुका है। अब हमारा काम क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर तीन साइड्स हैं, एक x है, एक x+4 है और एक 2x-6 है। इन तीनों में x की जगह मुझे ये जो वैल्यू मैंने निकाली है 13, इसको रख देता हूँ। पहले अगर यहाँ रखूंगा 13 तो ये 13 ही आएगा, यहां रखूंगा 13 और वो 13 अगर 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये 17 आ जाएगा, यहां रखूंगा अगर 13 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13-6, और ये हो जाएगा आपका 26-6। सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ गया। तो इस तरीके से हमें ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स पता चल गई हैं। एक साइड 13 है, एक साइड 17 है, और एक साइड हमारे पास कितनी है, 20। तो फाइनली ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a+b+c/2। ये ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला,
लगाने का ये पहला स्टेप है। ए किसी को भी मान लो, अभी के लिए मैंने 13 मान लिया, बी की जगह 17 मान लिया और सी की जगह मैंने 20 मान लिया। ए बी सी आपको पहले ही बता चुका हूं, ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इनको ऐड करोगे 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 25। तो फाइनली हमें एस मिल चुका है। अब हम निकालेंगे एरिया, और एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहां, जो कि होता है एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो यहां पर ये जो एस हमें दिखाई दे रहा है, एस कितना निकाला है हमने, 25 मैंने रख दिया। इस एस की जगह भी क्या रखूंगा मैं, 25 रखूंगा, माइनस की जगह माइनस रखूंगा, ए की जगह मैं 13 रख लेता हूं, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, एस की जगह क्या रखूंगा मैं 25, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह मैं रख देता हूं 17। एस की जगह रख देता हूं मैं 25, सी की जगह मैं रख देता हूं यहां पर 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे करेंगे। ये जो 25 है इसको ब्रेक कर देता हूं, 5 5 से 25 में से अगर 13 माइनस करूंगा तो ये 12 आएगा, 25 में से 17 माइनस करूंगा तो 8 आएगा, और 25 में से 20 माइनस करूंगा तो ये 5 आएगा। तो ये 5 × 5 को ऐसे ही रहने देता हूं, 12 को ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, 8 को ब्रेक करूंगा तो 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं, लास्ट में हमारे पास 5 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, इसलिए 8 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब क्लास में आपको बताया था कि अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, तो आपको ये बताया था जो भी चीज दो बार होती है इसमें, दो बार लिखी होती है, जैसे ये दो बार लिखा है, ये दो बार लिखा है, ये दो बार लिखा है, बस और तो कुछ भी दो बार नहीं है। तो ये जो 2 5 है इनको अब रूट के अंदर नहीं लिखूंगा मैं, इसको कहां लिखूंगा, फिर एक बार बाहर लिखूंगा। ऐसे ही ये दो बार जो 2 है, ट्वाइस ऑफ 2 है, इसको अंदर नहीं लिखूंगा, एक बार इसको बाहर लिख दूंगा। ऐसे ही यहां पर भी जो ये ट्वाइस ऑफ 2 है, इसको भी अब अंदर नहीं लिखूंगा और एक बार बाहर लिख दूंगा। अब जो बचा है उसको उतार देता हूं, 3 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है, ये शायद 20 हो रहा है और अंदर हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।